सर कई सारी तब्दीलियां, कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो आज सऊदी साहब भी कांग्रेस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि साउथ से अनिल बेन के कांग्रेस टिकट पर लड़ सकते हैं, क्या कहते हैं? अभी चर्चा चल रहा है, अभी उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि अभी चर्चा में है। अगर चर्चा संपूर्ण होता है, पूरा होता है, तो उसका नाम बताएंगे। अभी तो बहुत लोग कॉन्टेक्ट में चर्चा कर रहा है, कुछ लोग तो ज्वाइन हो रहा है। बीजेपी से बहुत सारे लोग नाराज हैं, तो वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, तो क्या सबको उम्मीदवारी मिल सकती है जो लोग मांग रहे हैं उनको? सबको तो नहीं मिलेंगे, सबको कहीं जगह पे मिलेंगे, सत्ता आने के बाद दूसरा अधिकार तो जरूर मिलेंगे। लेकिन जो कांग्रेस के लोग जो पहले से हैं वो तो नाराज हो जाएंगे? नाराज तो जरूर हो जाएंगे, कोई उसको चारा नहीं है, हो जाएंगे। ऐसे दो तीन जगह पे होने वाला है, तो उसको संभालना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं सर। ये कि तकरीबन जिस तरह से क्लीन स्वीप का नज़ारा नज़र आ रहा है, क्योंकि भाजपा से तो बहुत सारे लोग नाराज हैं, कांग्रेस कहाँ तक सीट्स हासिल कर सकते? हो जाएंगे, अभी तो बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनका तो नाराज़गी बहुत बड़े पैमाने पे स्पोर्ट हुआ है, उनका भी झगड़ा चल रहा है, एक एक ऊपर वही लोग गाली दे रहा है, सो उसका लाभ तो सीधा सीधा कांग्रेस को जरूर हो जाएंगे। सर रामदुर्ग से भी यादवाड़ को जो बीजेपी से कट किया गया, वहाँ पर भी क्या किसी को कांग्रेस की तरफ से मिलता है? उधर तो हमारा कैंडिडेट है अशोक पटन है, उधर तो नहीं है, अगर आ गया तो दूसरा जगह बनाएंगे अगले अगर सत्ता के बाद, अभी तो अशोक पटन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।